मोटू पतलू क्राई शादी एपिसोड 2। एक दिन मोटू अपने घर पे सुकून से सो रहा था। पतलू ने सारा घर का काम किया और मोटू के लिए खाना भी बनाया, अंडे भी। लेकिन मोटू इतना काम चोर है, एक काम भी नहीं करता। लेकिन एक दिन मोटू और पतलू कहीं घूमने जा रहे थे तो अचानक से मोटू ने कहा, पतलू यार मैं थक गया हूँ। पतलू यार चलते चलते मैं थक गया हूँ और मेरे पाँव में भी दर्द हो गया है यार, मुझे तुम अपने ऊपर बिठा कर लेकर चलो प्लीज़ यार, मैं तो आपका छोटा बड़ा भाई हूँ। चुपचाप चलो, थक गए हो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा। लगता है कि तुम्हारी अब शादी करानी पड़ेगी मुझे, सारा घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, बर्तन भी मैं धोता हूँ, खाना भी मैं बनाता हूँ, तुम तो सोए रहते हो, तो चलो अब मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मैं अब तुम्हारी शादी करा कर ही रहूँगा। पतलू मैं शादी नहीं करूँगा, बस मैंने कह दिया। क्यों नहीं करोगे शादी? नहीं यार, मैंने टीवी में देखा है, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा शादी के बाद, मुझे पता है। वो मैं नहीं जानता, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इस बात में मोटू और पतलू की लड़ाई हो जाती है, वो बोलना बंद कर देते हैं। कुछ देर चलते चलते मोटू और पतलू को अचानक एक कोरोना वायरस मिल जाता है। एक कोरोना वायरस मोटू के अंदर घुस जाता है और मोटू बेहोश हो जाता है। पतलू कोरोना से कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। पतलू से कहता है, तुमने अगर हमारी पहेली का जवाब दे दिया तो हम मोटू के अंदर से निकल कर यहाँ से चले जाएंगे, अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें भी मार देंगे। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बताओ मैं कौन? पतलू जवाब देता है कि नारियल, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा दूसरा और अंदर से सफेद होता है। कोरोना जवाब सुनकर मोटू के अंदर से निकल कर चला जाता है। लड़ाई कितनी भी हो, दोस्त दोस्त होते हैं। दोस्तों, मोटू और पतलू की दोस्ती के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज तक के लिए।